यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कल इन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मीडिया से भी बातचीत करेंगे, तो देखना होगा क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जब मीडिया से वो मुखातिब हुए तो कहा गया कि चुनौतियां तो कई हैं लेकिन कोशिश यही कि गुड गवर्नेंस की बात हमेशा की जाती है और इसी के लिए कोशिश की जाएगी। मुख्य सचिव संभाल रहे हैं कार्यभार और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी मीडिया यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, मीडिया से मुखातिब निश्चित तौर पर होंगे। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कार्यभार उन्होंने संभाला, मुख्य सचिव संभाल यहाँ पर कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मीडिया से जब मुखातिब होंगे तो क्या कुछ वो चुनौती समझते हैं, कैसे काम किया जाना है, इसकी बात भी सामने आएगी। लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य सचिव कार्यभार संभालते हुए, इससे पहले तस्वीरें सामने आई थी, उनका स्वागत किया गया था माला पहनाकर, जिस तरीके से लोग वहां मौजूद थे, मिठाई भी उन्हें खिलाई और अब मीडिया से मुखातिब होंगे, बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी यहां पर मौजूद हैं। सुनिए मुख्य सचिव को निर्धारित कार्यक्रम एवं प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन में तेजी लानी होती है। सरकार एवं सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो राजस्थान के विकास एवं संबंधित सारी योजनाओं के गवर्नेंस की जो बात है उसको जो प्राथमिकता में लिया हुआ है, तो मेरी दृष्टि में मुख्य सचिव का पहला कार्य यही होना चाहिए कि शासन द्वारा, सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्धारित समस्त प्राथमिकताओं को, सरकारी योजनाओं को, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को बेहतर तरीके से करें ताकि गुड गवर्नेंस के रूप में राज्य के अंतिम व्यक्ति तक उन सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। सर पिछले 7 महीने से कोरोना का समय हम देख रहे हैं, ऐसे समय में आप कार्यभार संभाल रहे हैं, वित्त के हालात आप से बेहतर प्रदेश के कोई नहीं जानता है, सारी चीज़ों को सिस्टम पर लाना, ट्रैक पर लाना कितनी बड़ी चुनौती रही। जहाँ तक कोरोना का प्रश्न है तो ये हम सभी जानते हैं कि कोरोना के प्रबंधन में राजस्थान सरकार की मिसाल पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है। जिस तरह से सरकार ने प्रबंधन किया, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हुई और जिस तरह से सारे अधिकारियों ने ज़िलों में और कलेक्टर्स ने जिस तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट ने जो काम किया है, मैं सोचता हूँ वो बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छे अंदाज में किया जा रहा है। कोरोना अभी भी जिसका कहा जा सकता है कि पूर्ण रूपेण खत्म हुआ नहीं है, कोरोना का मिजाज क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा अभी किसी को पता नहीं है और इसीलिए सरकार की प्राथमिकताओं में अव्वल अभी भी कोरोना का प्रबंधन एवं कोरोना की नियंत्रण की बात है। वित्तीय स्थिति का जहाँ तक आपने प्रश्न किया तो ये स्थिति स्पष्ट है कि राजस्थान ही नहीं, भारत के अधिकतर राज्यों में वित्तीय दबाव है। मार्च में पहला जैसे केस मिला और उसके बाद सारा अर्थव्यवस्था थोड़ी सी धीमी गति से बढ़ने लगी, जिसे कहना चाहिए कि लॉकडाउन हुए, सारी गतिविधियां बंद हुई, तो उससे राज्यों के आय के जो सृजन के साधन थे उस पर बहुत दबाव पड़ा। राज्यों के स्वयं के आय के साधन हैं, चाहे बोली वो GST है, चाहे बोली वो वैट है, ट्रांसपोर्ट है, एक्साइज है और स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन है, सब में एक तरह से प्रारंभिक रूप से काफ़ी कमी आई थी और इसीलिए वित्तीय दबाव के कारण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में, सरकारी खर्चों में निश्चित रूप से कुछ परेशानी सी रहती है। लेकिन राजस्थान ने अभी तक एक तरह से काफ़ी संतुलित एवं बेहतर प्रबंधन करके अभी कई राज्य जैसे ओवरड्राफ्ट की स्थिति में चले गए, लेकिन राजस्थान अभी भी ओवरड्राफ्ट की स्थिति में नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो वित्त मंत्री भी हैं उनके मार्गदर्शन में या उनके जिसे कहना चाहिए नियंत्रण में भी
वित्त विभाग ने ये प्रयास किया कि किस तरह से सरकारी योजनाएं अनवरत रूप से चलती रहे और तरलता या जिसे लिक्विडिटी कहते हैं वो जब संसाधनों की आय कमी होती है तो नेचुरली हर राज्य के पास तरलता का अभाव होता है। तो राज्यों के विभिन्न स्रोत हैं, स्वयं की आय है, जो हमारा हिस्सा है वो मिलता है और जो बोरोइंग लिमिट होती है वो हम प्राप्त करते हैं। तो तीनों संसाधनों को मिला के मैं सोचता हूँ कि अभी तक राजस्थान की वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय प्रबंधन बेहतर रहा है और अब धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन में वापस खुलावट आई है, ओपन अप हुआ है, आर्थिक गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ने लगी है, तो स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन की जैसे आय बढ़ने लगी है, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले कुछ माह में वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से राज्य की हालत ऐसा सोचा जाता है कि कुछ सुधरेगी और लिहाजा योजना के खर्चे में या इस वित्त वर्ष के समस्त बजट को क्रियान्वयन में मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्या और भी कर कुछ इस तरह का हो सकता है आगे चलकर कि इस स्थिति नहीं आ जाए और भी कर लगाए जाते हैं? देखिए, जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज जो होती है उनको प्रायोरिटी पे अपने खर्चे करने के लिए संसाधन जुटाने पड़ते हैं। जो इस समय जो कर व्यवस्था है या इस समय जो ऑलरेडी इम्पोज्ड है, एक प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि किस तरह से जो प्रचलित दरें हैं या जो व्यवस्था चल रही है उसमें 100% रिकवरी हो, उसमें लूपहोल्स पे रोक लगे और किस तरह से दी हुई व्यवस्था में भी अपने आय के संसाधन बढ़े हैं। और उसके बाद अगर कोई नई स्रोत खोजने की बात है तो सरकार, हर सरकारें कुछ दरों में बढ़ोतरी करती है, कुछ परिवर्तन करती है, तो उस दृष्टि से ताकि बजट जो आपका बना है, जैसे राजस्थान का लगभग 2,25,000 करोड़ का बजट बना है, तो अब हमको उसके हिसाब से संसाधनों को जुटाने के लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं। तो हर राज्य में, हर मैं सोचता हूँ कि सरकार में वर्ष पर्यंत ये प्रयत्न चलते रहते हैं कि हमारे बजट का जो एक्सपेंडिचर है वो पूरा हो, योजनाओं का खर्च पूरा हो, हमारे जो गैर योजनागत व्यय हैं वो भी करने पड़ते हैं, तनख्वाह देनी पड़ती है, सारी कुछ चीज़ें हमारे सामने होती है, तो एक संतुलन बना के बजट के व्यय को किया जाता है और उसके हिसाब से जैसे जैसे कोई आवश्यकता पड़ती है तो निर्णय भी लिए जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ सरकार उस पर गंभीरता से चिंतन कर रही है। प्रदेश में एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी चिंता की विषय है, गुर्जर आंदोलन पर बैठ गए हैं, ऐसी सूरत में जब एक धड़ा बातचीत कर रहा है दूसरा बातचीत नहीं करना चाहता, रिटर्न एश्योरेंस मांग रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या बिना बातचीत के कोई समाधान संभव हो सकता है? मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक इस आंदोलन का प्रश्न है, वर्तमान सरकार ने बड़े खुले मन से उनसे बात की है, उनसे उनकी मांगों को स्वीकार भी किया जो जहाँ तक हो सके, और जो कल भी जो वार्ता हुई उस वार्ता में भी मुझे लगता है काफ़ी बहुत कुछ सहमति पहुँची है, इसलिए ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि भाई बातचीत नहीं हो रही है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी भी इसको किस तरह से बैठ के बात करके समाधान किया जाए और सरकार इसको सर्वोच्च प्राथमिकता से कानून व्यवस्था बनाने की दृष्टि से भी इसमें कदम उठाएगी। सर, पब्लिक हियरिंग के लिए सीएस ऑफिस कितना खुला रहेगा? हालांकि आमतौर पर एक परसेप्शन रहता है कि सीएस ऑफिस तक टाइम लिमिट में ही पहुंच होती है, पाली के लोग भी आ जाए, कई लोगों में खुशी भी दिखी, आपका सीधा डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग का मामला रहा है पहले से? जी, ये सही है। मैं सोचता हूँ कि सरकारी कार्यालय मूलतः नागरिकों के लिए बने होते हैं, हम जो भी काम करते हैं, जो भी पत्रावलियाँ चलती है, जो भी मीटिंग होती हैं, उन सब के निर्णयों की अंतिम परिणति उस अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है और इसलिए सरकारी अधिकारियों को भी पत्रावली, नियम, मीटिंग्स, कानून, ये सब पालना करनी पड़ती है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा व्यवहारिक पहलू है और वो है कि आम व्यक्ति की बात क्या है, आम व्यक्ति का मत क्या है, आम व्यक्ति का दर्द क्या है, आम व्यक्ति की जिसे कहना चाहिए कि चिंता क्या है या सरकार उनके लिए क्या कर सकती है। तो अधिकारी को इन दोनों में संतुलन बैठाने की ज़रूरत है कि उसको अपने सरकारी काम भी करने हैं, उसको
निस्तारण भी करना है पत्रावलियों को, उसके मीटिंग भी अटेंड करनी है, लेकिन साथ में ये जो सारी कवायद हो रही है, जो सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं, ये सारे उस व्यक्ति के लिए किए जा रहे हैं, उस नागरिक के लिए किए जा रहे हैं। तो इसलिए हमको हमेशा उस अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख के इस सारी कवायद का रूप उसकी तरफ क्रियान्वित, उसकी तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। और उस प्रोसेस में अगर मिलना जुलना होता है, इंटरेक्शन होता है, बात होती है, तो एक फीडबैक मिलती है, एक आपको जैसे कहना चाहिए कि डायरेक्ट इनसाइट मिलता है। मैं सोचता हूँ कि किसी भी अधिकारी को इन डायरेक्ट इनसाइट लेने से कोई परहेज नहीं रखना चाहिए। हो गया जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ओके, देखिए सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, मीडिया से मुखातिब हुए मुख्य सचिव निरंजन आर्य, और तमाम जो सवाल उनसे पूछे गए उनके जवाब उन्होंने दिए। उन्होंने बताया किस तरीके से मुख्य सचिव की भूमिका होती है, जो सरकार की ओर से योजनाएं बनाई जाती हैं या फिर जो भी सरकार सोचती है, जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पर जोर देकर काम किया जाएगा। इसके अलावा चूंकि वित्त की वो जानकारी रखते हैं, जब उनसे उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने भी बताया कि आने वाले दिनों में ये उम्मीद है कि जो स्थिति है वो वो बेहतर होगी। और जब कोरोना की बात सामने आई, क्योंकि कोरोना काल है, तो एक बार फिर से जिस तरीके से राज्य सरकार ने काम किया है, कैसे राजस्थान की जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके, ये लगातार कोशिश रही है राज्य सरकार की, ये बात रखते हुए। इसके अलावा जब गुर्जर आरक्षण को लेकर उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने ये बात एक बार फिर से यहां पर मीडिया के सामने रखी कि क्योंकि राज्य सरकार खुले मन से बात कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो गुर्जरों का मसला है वो सुलझाया जाए, जो परेशानी गुर्जर समाज को लगातार हो रही है उससे समाधान करवाया जाए जिससे कि आंदोलन ना हो। और जब तमाम सवाल उनसे पूछे गए तो एक बात ये भी सामने आई कि क्योंकि उन्होंने बताया कि जो सरकारी दफ्तर होता है वो लोगों के लिए ही बना होता है, इसीलिए वो हमेशा लोगों के लिए खुला रहना चाहिए, लोगों की समस्याओं को हमेशा समाधान किया जाएगा, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी।